तंत्र विद्या से एक घेरा बना रहे हैं जिसमें इनका ये कहना है कि सांप नहीं भागेगा उस घेरे के बाहर। सुना, वो मूव कर रहा है, मेरे हाथ में आ जाएगा इधर से। आप उधर हो ना? पक्का? डन। अगर इधर से खिसकता है तो उधर देख लेना। रुको रुको, कुछ को मत, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पकड़ ली। दीदी बेटी छोड़ दो भाई, बाहर लाके छोड़ दो। देख, हट जाओ हट जाओ। ये काला है, काला काला है। कितनी हिम्मत भाई, बाप रे बाप। ग्रे कलर में है ना? बहुत जहरीला नहीं, ये सांप बिल्कुल जहरीला नहीं है। मत इसकी, हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस है वो तैनात है और उन्हीं के साथ हम अभी यहाँ रेस्क्यू भी किए हैं और इनके यहाँ से हम एक रैट स्नेक पकड़े हैं। तो आज हमारे साथ एक इस घर के जो परम पूज्य जो पिताजी हैं, और हर माँ बाप पूजनीय होते हैं हर घर के लिए, तो इनका कहना है, ये कुछ तंत्र शक्ति जानते हैं, मंत्र जानते हैं। इनका कहना है कि मैं इस सांप को भी बांध दूंगा जगह को और वहां सांप छोड़ दीजिए, सांप नहीं भागेगा। तो चलिए, ऐसा सौभाग्य हमें देखने को मिले और हम भी आपको लाइव दिखाना चाह रहे हैं। तो चलिए बाबूजी, जो भी करते हैं और जिस चीज़ को सत्य है असत्य है, एक साक्ष्य रहेगा आपके सामने में। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। पर उनका कहना यह है कि इस चीज़ का एक टाइम लिमिट, मतलब समय सीमा होती कि 15 मिनट या 20 मिनट तक के लिए सांप नहीं भागेगा। तो चलिए इस प्रोसेस को हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। हमने बहुत सुना है, आपने भी बहुत सुना है ये चमत्कार, तो आज लाइव देखते हैं। चलिए बाबूजी, आप पहले घेरा बांध लीजिए। घेरा नहीं, उसको रखिए ना। मैं रख दे रही हूँ, चलिए। कहाँ रखूँ? बाहर रखोगे तो भाग जाएगा। नहीं, खोल के नहीं रखना, नहीं खोल के नहीं रखना है। ले लीजिए, अब आप बांध दीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सांप को अभी जस्ट हमने पकड़ा है और इस सांप को हमने बोरी से नहीं निकाला है। और आप देख सकते हैं जो पिताजी है बाबूजी इस घर के, वो आराध्य कर रहे हैं भगवान को, जो उनका तंत्र जो शक्ति है उस शक्ति को स्मरण कर रहे हैं। तो इस चीज को हम देखते हैं क्या है। आप ये देख सकते हैं कि अपने मंत्र विद्या से एक घेरा बना रहे हैं जिसमें इनका ये कहना है कि सांप नहीं भागेगा उस घेरे के बाहर। दोस्तों, ये तीसरा फेरा हुआ, हो गया, छोड़ दो, मतलब सांप भागेगा नहीं, आपका ये कहना है। दोस्तों, वहीं पे बीच में रखी। हाँ, वहीं पे। दोस्तों, इनका कहना है कि इन्होंने चार फेरा करके मंत्र से इस चीज को बांध दिया है। अब ये सांप जैसे ही हम खोलेंगे
तो ये भागेगा नहीं, ये यही रुका रहेगा। बाबूजी का मंत्र खंडित हो गया बोल रहे हैं। हम विज्ञानी युग के लोग हैं और हम यही लोगों से कहना चाहते हैं कि ये जो बाबूजी खुद बोले बोल के, हम बाबूजी को छोटा दिखाना नहीं चाहते हैं या किसी तंत्र शक्ति को छोटा दिखाना नहीं चाहते। सबका एक साध्य है, एक आराधना है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सारे चीज़ें ये एक आस्था वाली बात है। सांप काटता है तो कोई मंत्र काम नहीं करता है, कोई बाबा काम नहीं करता है। आपकी जान सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकता है। सांप की जहर से बना इंजेक्शन एंटीवेनम वही बचा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारे गुरुजन हैं और इनका हमें सम्मान करना है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि कोबरा सांप उसका व्यवहार ही ये होता है कि अगर वो लोगों को डराना चाहता है तो वो फन पर खड़े होकर बैठ जाता है, ज्यादा लोग अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि मंत्र विद्या या किसी चीज से किसी ने उसको रोक के रखा, वो उसका नेचर है। जी, जी। तो उस चीज को मंत्र विद्या मत लेके जाइएगा। बाबूजी आप हमारे बात का बुरा मत मानिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि कुछ ऐसा कमेंट ना करें कि हमारे गुरुजन है, हमारे पूज्य तुल्य है, तो सम्मान करें। लेकिन हाँ, हम ये चीज बताना चाहते हैं बाबूजी को भी और आप लोगों को भी कि मंत्र शक्ति ऐसा कुछ नहीं होता है, और हमसे अगर कोई भूल हो तो क्षमा चाहेंगे, है ना बाबूजी? नहीं नहीं नहीं। तो दोस्तों, सम्मान करिए अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट का। अगर गलती या अंधविश्वास हमारे बड़े बुजुर्ग को भी, हमारे माँ बाप को भी वो सुनना नहीं चाहते हैं, तो इस चीज को हमको बताना था कि ये सही नहीं है। तो ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि पहले बड़े बुजुर्गों ने जो नियम बनाए थे उसका कारण सबसे बड़ा यही था कि जो आम लोग जो आजकल इस नियम को नहीं मानते और सांपों को परेशान करते हैं और वो हादसे का शिकार होते हैं, तो बड़े बुजुर्गों ने जो नियम बनाया था वो इसीलिए बनाया था ताकि लोग जीव जंतु रेप्टाइल से दूर रहे और इंसान और वो रेप्टाइल दोनों सुरक्षित रहे। बस यही सबसे बड़ा कारण था। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन के अनुभव से कुछ चीजें बना के रखी। पुराने लोग हमारे ये कहते हैं कि इमली झाड़ में भूत होता है या फलाने झाड़ में भगवान होता है, उनका वास होता है, तो इस वजह से आदमी इमली झाड़ को नहीं काटता था, इस वजह से बरगद झाड़ को नहीं काटता था, लेकिन इस वजह से पेड़ पौधे बचते थे। ये एक ऐसा फंडा था जिसकी वजह से पेड़ पौधे बचते थे। तो प्लीज जीव जंतु को भी बचाइए, पेड़ पौधे को भी बचाइए, और सांप काटे तो डॉक्टर पास ही जाइए, वहां पे पास मत जाइए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।